फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट वन हम देख रहे थे मशीन डिज़ाइन वन का, जिसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन। पार्ट सिक्स में हम देखेंगे गर्बर मेथड। सो स्टार्ट करते हैं गर्बर मेथड। द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा वी एंड द मीन स्ट्रेस सिग्मा एम फॉर एक्सियल एंड बेंडिंग लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल आर शोन इन फिगर। दिस फिगर शोज दैट द गर्बर मैथड और द गर्बर ग्राफ। द ग्राफ बिटवीन सिग्मा वी एंड सिग्मा एम, सिग्मा वी वेयर द वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा एम इज द मीन स्ट्रेस इज नोन एज गर्बर मैथड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ग्राफ, ये हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं टेंसाइल, लोड एक्ट हो रहा है, और इधर एक्ट हो रहा है हमारा कॉम्प्रेसिव लोड। अब द ग्राफ बिटवीन सिग्मा वी एंड सिग्मा ए, दिस इज द सिग्मा मीन, एक्स एक्सिस पे हमने रखा सिग्मा एम को, और वाई एक्सिस पे हम रख रहे हैं सिग्मा वी को। ठीक है, अब हम गर्बर मेथड का गर्बर लाइन बनाएंगे। अब ये देखो आप, ये एंड दिस, ठीक है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिग्मा ई, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं सिग्मा यू, और ये पॉइंट है सिग्मा वाई। सिग्मा यू मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस, सिग्मा इज द एंड्योरेंस लिमिट। द पॉइंट सिग्मा ई रिप्रेजेंट द फैटिग स्ट्रेंथ, और इसे एंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड द पॉइंट सिग्मा यू रिप्रेजेंट द स्टैटिक अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सिग्मा यू रिप्रेजेंट द स्टैटिक अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अ पैराबोलिक कर्व ड्रॉन बिटवीन द एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा यू वॉज प्रपोज बाई गर्बर इन 1874। ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व को हम बोलते हैं, दिस इज द गर्बर लाइन, एंड इसमें जो ये डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं दिस इज द फेलियर पॉइंट्स। ठीक है, और इस गर्बर लाइन के जस्ट नीचे वाले ये स्ट्रेट लाइन सिग्मा ई से सिग्मा यू जो मैच हो रहा है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं गुडमैन लाइन, और सिग्मा ई से सिग्मा वाई तक जो लाइन बना हुआ है उस लाइन को हम बोलते हैं सोडरबर्ग लाइन। ये अगले दो लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तब हम डायरेक्ट वहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो ये कर्व जो बना हुआ है यहाँ पे, इस कर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो कर्व हमारा है सिग्मा ई और सिग्मा यू के बीच में, इस कर्व को हम बोलते हैं गर्बर लाइन, और जो इस पे डॉटेड डॉटेड है इसे हम बोलते हैं दैट इज द फेलियर पॉइंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गर्बर वेरिएबल स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू गर्बर वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज वेरिएबल स्ट्रेस एंड दिस इज एंड्योरेंस लिमिट, वन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन हमें दिया है गर्बर ने। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये डिजाइन स्टैंडर्ड बना है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे कि सिग्मा वी इज इक्वल टू इतना होता है। अब हम एक काम, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर वन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम फार्मूला बनाते हैं, तो वन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा, वन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इधर रखें बाकी सब उधर कर दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई। दिस इज द फाइनल गर्बर इक्वेशन, गर्बर मेथड का इक्वेशन ये हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एफ एस क्या है, एफ एस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, सिग्मा एम इज द मीन स्ट्रेस, ठीक है, फॉर टेंस फॉर
बोथ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, सिग्मा वी इज द वेरिएबल स्ट्रेस फॉर बोथ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, ठीक है, सिग्मा यू इज द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर बोथ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, एंड सिग्मा ई इज द एंडोरेंस लिमिट फॉर रिवर्सल लोडिंग। ठीक है, ये हमें नोटेशन भी हमने दे दिया। तो गर्बर मेथड का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा था गर्बर मेथड में, द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा वी एंड द मीन स्ट्रेस सिग्मा एम फॉर एक्सियल एंड बेंडिंग लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल आर शोन इन फिगर दिस। डक्टाइल मटेरियल पे जब हमारा एक्सियल और बेंडिंग लोड लगता है तो जो रिलेशन बनता है हमारा वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस के बीच में, वो ये ग्राफ शो करता है, और गर्बर ग्राफ शो करता है हमारा वो वेरिएबल। अब जो ये कर्व बना है, ये कर्व हमें बताता है, ये है हमारा गर्बर लाइन, और जो इस पे डॉटेड डॉटेड लाइन है ये हमें बताता है फेलियर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इससे हमारा जो गर्बर इक्वेशन बनता है वो बनता है हमारा 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई, याद रहेगा। ओके, अब देखो, अब जब आप ये तो नॉर्मल में आ गया, बट जब आप फैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जब कंसीडर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन बोल पूछ दे कि फाइंड गर्बर मेथड एंड कंसीडर विथ कंसिडर द फैटिक स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर। इससे पहले लेक्चर में हमने फैटिक स्ट्रेस कंसेंट्रेशन के फैक्टर के बारे में बात किया था। जस्ट यहाँ पे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं फैक्टर फैटिक स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर डेट इज के एफ, देन जब आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई, सिग्मा वी के साथ के एफ का मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा बन जाएगा गर्बर इक्वेशन व्हेन वी कंसीडर द फैटिक स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर के एफ। ओके, तो हमारा इतना ही था गर्बर मेथड में। नेक्स्ट हमारा है गुडमैन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो।